अवैध गतिविधियों का बन रहा अड्डा, शासन की योजनाओं का हो रहा है दुरुपयोग। सरदारपुर तहसील के ग्राम पंचायत लाबरिया में बस स्टैंड पर वार्ड क्रमांक 11 में मुख्यमंत्री ग्रामीण हाट बाजार मंडी का निर्माण किया गया था, ताकि ग्रामीणों को रोजगार मिले और ग्राम का विकास हो। निर्माण की कुल लागत करीब 49,01,000 रुपए से हुई थी। विगत करीब 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिल पाया। सूत्रों के अनुसार निर्मित दुकानों के आसपास अवैध गतिविधि संचालित हो रही है, जिससे कि ग्रामवासियों को परेशानी झेलना पड़ रही है। सूत्रों की माने तो यहां पर खुलेआम सट्टा और जुआ बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है। आए दिन शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। शरारती लोगों के द्वारा शायद दुकानों को तोड़ फोड़ का नुकसान भी पहुँचाया जा रहा है। दुकानों की शटर भी तोड़ दी गई है। सब कुछ देख कर भी अनजान बनना, ग्राम पंचायत के आला अधिकारियों का चुप रहना कई मामलों को जन्म दे रहा है। बनाएंगे, बाकी कुछ इसका कुछ उपयोग नहीं हो रहा है, और इसको ऐसे सरकार की तरफ देखो देखे तो सब टूटा फूटा हो रहा है दिन पे दिन। और दारू सट्टा इधर मतलब बार बार के लोग रहते मिलते अब मतलब फुटपाथ पे ऐसा हो रहा है और नुकसान हो रहा है सरकार का, देख लीजिए। तो आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं सर अच्छी ये जो सरकार ने सुविधा दी है तो इसका सुविधा का लाभ बने और अच्छी मंडी चले और बाजार लगे और सब अच्छा लगे, मतलब पब्लिक को भी सुविधा अच्छी मिले और साफ सफाई के लिए बनाए। और बस स्टैंड भी पास में पड़ता है, बस स्टैंड भी बाजू में ही है और अच्छे से सब पब्लिक को अच्छी सुविधा मिले। पीते हैं लोग और सट्टे जुए खेलते हैं यहाँ पर और अवैध धंधा चल रहा है। तो ये शटर देख लो, करोड़ों रुपए की बनाई सरकार ने, यूँ ही जा रहा है ये बिल्डिंग, यूँ टूट फूट कर दी लोगों ने, नुकसान हो रहा है। आपका नाम? कैलाश मेड़ा लिखता हूँ मैं।